वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका भी हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्लिंगशॉट हैंडल की। ये जो हमारी हैंडल है, ये लकड़ी के हैंडल है, ये हम बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो ये हमारे खुद के बनाए हुए हैंडल हैं, काफ़ी मजबूत हैंडल होते हैं। आप इसमें किसी भी तरह की कोई भी रबर यूज कर सकते हैं। और ये हैंडल खासकर हमारे 20 नंबर या 24 नंबर या 25 नंबर रबर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये मोटे वाले हैंडल हैं, अच्छे, काफ़ी मजबूत होते हैं, इसलिए आप इसमें कोई से भी रबर को यूज़ करते हैं तो वो रबर आपके लिए, ये हैंडल आपके लिए उस रबर के साथ कम्फर्टेबल रहेंगे। इसके बाद अगर और आगे जाएँ फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हमारे पास ये वाले हैंडल। ये भी अच्छे होते हैं, ये थोड़े छोटे होते हैं, मतलब पकड़ने में ये थोड़े इन वाले के मुकाबले में ये थोड़े छोटे होते हैं। ये पतली लकड़ी से बनते हैं और ये अपने 18-19 नंबर रबर को आसानी से हम इसमें बांध सकते हैं, तो ये हो जाते हैं। इसके बाद और जैसे बच्चों के लिए देखें फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे बच्चों के लिए, ये छोटे हैंड देखिए आप, ये इतने साइज के रहेंगे। ये टोटल बच्चों के लिए है, छोटे वाले जो हैंडल हैं, छोटे पतली रबर के लिए होते हैं। ये 12 नंबर या 10 नंबर रबर वो आप इसमें आराम से लगा सकते हैं और बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये बच्चों के हिसाब से ये छोटे वाले हैंडल, ये छोटे वाले होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम प्लास्टिक हैंडल में देखें तो ये रहेंगे अपने पास ये प्लास्टिक वाले हैंडल, प्लास्टिक वाले हैंडल, ये भी अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं। लेकिन इनमें आपको अगर आप ये जो होता है वो प्लास्टिक वाला बंद होता है, प्लास्टिक वाला बंद अगर आप इसमें लगाएंगे तो रबर कट सकती है। इसलिए मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रबर का बंद ही यूज़ करें उसमें। यहाँ पे जो बांधेंगे आप, रबर वाला बंद ही यूज़ करें। ये होते हैं अपने ये प्लास्टिक वाले बंद हैं। अगर प्लास्टिक वाले में आप और हार्ड लेते हैं या मोटी रबर के लिए लेते हैं तो फिर उसके लिए आपको मिलेंगे ये इस टाइप से, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मजबूत भी हैं, काफ़ी हार्ड भी हैं और इसमें आप कोई सी भी रबर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हैंडल है अपने पास, ये हैंडल कई तरह से आते हैं और कई तरह से रबर होती है। और मेरा मानना ये है कि आप अगर रबर जिस तरह की लेते हैं तो उसी तरह का आप उसमें हैंडल यूज़ करें। और अगर आपके पास हैंडल आपको नहीं मिल पाता है, प्लास्टिक वाला हैंडल या कोई सा भी हैंडल, तो आप मेरी वीडियो में देख के अपने घर पे ये जो हैंडल है वो आप अपने घर पे बनाएं। इससे बेहतर आपसे कोई भी आपको हैंडल नहीं मिल सकता है। मेरा मानना ये है कि जो आप खुद बना सकते हैं, ये लकड़ी वाला हैंडल होता है, उससे बेहतर कोई दूसरा हैंडल नहीं होता। आप इस टाइप का हैंडल परचेज करते हैं, इसके बाद जब आप इसकी स्लिंग शॉट बनाएंगे और इसको खींचेंगे तो ये आप इस तरह से ये बीच से फोल्ड होने लगेगा, मतलब ये तिरछा होने लगा, जिससे आप आपकी जो निशाना लगाएंगे आप वो परफेक्ट जगह पे लग नहीं पाएगा। इसलिए आप किसी भी चीज़ को जब परचेज करें तो उसमें आप उसकी बारीकी देखें और उसके बाद उसको खरीदें। जैसे ये हमारा, आप इस टाइप का कोई सा भी हैंडल कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, बस ये मोटा होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये इस टाइप से, ये मोटा है, मजबूत है। या फिर उससे बेहतर है कि आप अपने घर पे बनाएं, और उससे बेहतर आपको कोई दूसरा हैंडल नहीं मिल सकता जो आप खुद बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ हैंडल थे। अगर आप इनमें से हैंडल खरीदना चाहते हैं या किसी भी तरह की रबर या लेदर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।